कहीं पे भी आप चले जाइए जैसे लगता है कि हाँ भाई गाड़ी चल रही है और गाड़ी में बैठे। अरे बिल्कुल इसके ही जैसा, ठीक है, सारा सिस्टम यही होना चाहिए था। बिल्कुल झंडू लगती है जो कहीं डालिए तुरंत निकालिए, इधर से बाहर सुनाई नहीं देता, सिर्फ दनक जो होता है ना बहुत अच्छी दनक। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मारुति सुजुकी स्विफ्ट का VDI मॉडल लेके आया हूं। भाइयों देखिए वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपको नॉलेज एटलीस्ट मिल जाएगा कि अगर आप सेकंड हैंड कार को लेना चाहते हैं तो क्या इस कार को आप लेके वैल्यू फॉर मनी आप पाएंगे कि नहीं पाएंगे, साथ ही साथ सेकंड हैंड कार में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, सब कुछ आपको पूरा इन डेप्थ आपको मिल जाएगा। बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं इस कार के ऑनर मिस्टर सुनील यादव जी का। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। तो बताइए भाई, आपने इस कार को कितना दिन पहले परचेज किया? अभी 3 साल पहले। 3 साल हो गया इस कार का, कैसा रहा मतलब एक्सपीरियंस इसका खरीदने का? कहिए तो बहुत बेहतरीन रहा, शानदार रहा, जबरदस्त रहा। ये आपकी पहली कार है? जी बिल्कुल पहली कार है। अच्छा, और ये कौन सा मॉडल है, कौन से ईयर का है ये मॉडल? तो 2012 मॉडल है। 2012 मॉडल। अभी फिलहाल ये कितना हजार किलोमीटर चला हुआ है? फिलहाल 84,000 के नियर अबाउट चल चुका है। 84,000 जी। अच्छा बताइए दर्शकों को कि सेकंड हैंड कार आपने क्यों परचेज किया? देखिए सेकंड हैंड कार जैसे कि स्विफ्ट मुझे बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है, और काफ़ी मैंने मतलब फ्रेंड वगैरह का गाड़ी है तो मैं चलाया था, तो मेरे दिमाग में आया कि पहले एक बार सेकंड हैंड इसको लिया जाए। लेकिन सेकंड हैंड मैंने लिया और जब से लिया हूँ तब से समझ लिया कि चलने में चलाने में बहुत मज़ा आता है, और कहीं पे भी आप चले जाइए जैसे लगता है कि हाँ भाई गाड़ी चल रही है और गाड़ी में बैठे। बहुत बढ़िया भाई। डीजल इंजन है, बताइए माइलेज कितना पाए आते हैं इससे? माइलेज वही 20-22 का। 20-22 का माइलेज। अब आपने सेकेंड हैंड लिया है तो मतलब इंजन वाइज कुछ वर्क वगैरह तो नहीं कराना पड़ा ऐसा मेजर? अभी ज्यादा कुछ वैसा नहीं करवाया, कुछ ज्यादा नहीं कराना पड़ा, जैसे था वैसे ही है। और जैसे कि बाहर से और फिर अंदर का जैसे कि म्यूजिक सिस्टम वगैरह हो गया ये सब करवाया, और बाकी कहीं कुछ नहीं। तो सुन भी बताइए कि आप इस कार का सर्विसिंग बाहर में कराते हैं या फिर अंदर सर्विस सेंटर में कराते हैं थ्राइज? देखिए इस कार का जो सर्विसिंग है मैं बाहर नहीं करवाता हूँ। अच्छा। सर्विस सेंटर पे करवाता हूँ और वहीं पे मतलब जब से मैंने लिया तब से वहीं करवाता हूँ, बाहर नहीं करवाया। बाहर कभी करवाया ही नहीं? नहीं नहीं। चलिए बहुत सही, अच्छा भी रहता है। 22 का माइलेज आप पा रहे हैं, मात्र 84,000 किलोमीटर ये चला हुआ था, वेल मेंटेन बाहर से भी लग रहा है अंदर से भी ठीक ही ठाक लग रहा है। तो बताइए कितने का आपको पड़ा था ये गाड़ी? देखिए अगर कहेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि मैं इसको 3 लाख में लिया था। मात्र 3 लाख? 3 लाख में मैंने लिया था। अब बताइए आज की डेट में मारुति सुजुकी का स्विफ्ट जो पेट्रोल इंजन है 7.5-8 लाख रुपए के आसपास पड़ रहा है, और इन्होंने डीजल इंजन मात्र 3 लाख रुपए में खरीदा वो भी 3 साल पहले, तो भाई पैसा ही एकदम पैसा वसूल है ये, क्योंकि यार माइलेज आपको बहुत बेहतरीन मिल रहा है। अगर आप वहीं पे अगर नई वाली स्विफ्ट ले रहे हैं सीएनजी के साथ जा रहे हैं तो आपको पिकअप वगैरह भी कम मिलेगा, माइलेज तो अच्छा खासा मिल जाएगा लेकिन पिकअप कम मिलेगा, फिर सीएनजी का वही झंझट रहता है, हर जगह अवेलेबल नहीं रहता, ये सब प्रॉब्लम रहता है, और डीजल इंजन चलाने का मजा ही कुछ और है। चलिए और भी जानकारी लेते हैं, अभी अंदर से देखते हैं कि क्या है कंडीशन इस गाड़ी का। तो भाइयों ये वाला वही वाला बेसिक वाला की है, टीटी करके जो बोलता है यही वाला की है, और अभी लेते हैं एंट्री और देखते हैं अंदर में क्या कंडीशन। इंटीरियर वगैरह बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखा है इन्होंने, यहाँ पे देखिए आफ्टर मार्केट इन्होंने एंड्रॉइड वाला सिस्टम लगवाया है, बाकी एकदम परफेक्ट लग रहा है सब कुछ कंडीशन। इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी आप देख सकते हैं वही सेमी डिजिटल आता है, बढ़िया है, ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है भाई, 10-12 साल के हिसाब से बहुत अच्छा कंडीशन है, एकदम परफेक्टली है। बाकी इंजन का आपको आवाज वगैरह सुना देते हैं अभी। तो भाई ये है डीजल इंजन का कंडीशन, परफेक्टली एकदम आवाज वगैरह आप सुन सकते हैं, एकदम बढ़िया है, जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए कि चलने में गाड़ी कैसा है, साथ ही साथ आप गांव से बिलोंग करते हैं तो मतलब मेन आपका रनिंग गांव में रहते हैं फिर शहर में रहता है? देखिए गांव में तो जैसे कि मान लीजिए गांव में जैसे कि अगर खराब रोड है उसको तो नहीं चल पाएगी, तो शहर से लेके गोरखपुर से उरुआ, उरुआ से गोरखपुर यही हो गया, नहीं तो फिर अगर कहीं रिलेशन में जाना है तो फिर वहाँ हो गया। ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आता होगा? ग्राउंड का मत पूछिए, अगर चलाना है तो रोड अगर सही है तब तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर गड्ढा पड़ गया तो भाई बचा के चलना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसका अगला या फिर पिछला कोई भी पहिया अगर पड़ गया तो फिर समझ लीजिए कि दिक्कत है, प्रॉब्लम। और कोई अभी तक कोई मतलब बहुत ज्यादा मतलब आपका पैसा लगा हो, कोई प्रॉब्लम आया, कोई पार्ट वगैरह खराब हुआ हो गाड़ी में, ऐसा कुछ? ऐसा कहीं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अभी बिल्कुल समझ लीजिए साथ दे रही है, बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही है, अब आगे क्या होता है। चलिए सही है। बाकी और आप अगर इसको अगर अपडेट करना चाहते हैं, कोई दूसरा गाड़ी लेना चाहते हैं तो कौन सा गाड़ी लेंगे? तो अभी कोई प्लान है क्या इसको?
चेंज करने का? तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, अभी प्लान नहीं है। अगर इसको सेल आउट करेंगे तो कौन सा गाड़ी लेंगे आप? अभी सच कहिए तो सेल आउट करने का भी विचार ही नहीं है, क्योंकि इतना मतलब शानदार है, चलाने में बहुत मजा आता है, तो फिर और कोई गाड़ी अच्छी नहीं लगती है स्विफ्ट को छोड़ के। नया वाला आपको कैसा लगता है? जो नया वाला स्विफ्ट है तो बिल्कुल बकवास है, कंपनी जो है फालतू में नया निकाल दी। अरे बिल्कुल इसके ही जैसा, ठीक है, सारा सिस्टम यही होना चाहिए था, बिल्कुल झंडू लगती है जो नई वाली है ना, बिल्कुल बकवास है। सही है, सबका अपना अपना चॉइस है। इसके आगे हमको बिल्कुल बेकार लगती है। जहाँ चाहिए वहाँ घुसा दीजिए, ठीक है, जहाँ चाहिए वहीं मोड़ दीजिए। ये कोई सिस्टम नहीं कि हाँ हमको इतना जगह चाहिए, हम मोड़ना है, कहीं डालिए तुरंत निकालिए इधर से। देख सकते हैं यार, इतना ज्यादा बारिश वगैरह का एकदम मौसम टाइप का लग रहा है, और ठंड तो बहुत ज्यादा पेल के पड़ रहा है भाई। तो देखिए भाई, अगर आपका बजट 2.5 लाख 3 लाख इतना है तो भाई पक्का मतलब इस कार के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यार ऐसे बजट में आप बुलेट जा रहे हैं, बुलेट खरीद रहे हैं बुलेट नाम का, और फिर यार वही है ठंड में बरसात में गर्मी में आप एकदम दिक्कत झेल रहे हैं। उससे बढ़िया है फोर व्हीलर लीजिए, 20-22 का माइलेज इसे पाएंगे, और इजीली आप बैठ के सेफ एकदम रहेंगे, अपने फैमिली के साथ कहीं भी ट्रेवल कर लेंगे। का हम लोग बात कर रहे थे रियर डिजाइन का, यार रियर से बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगता है, नया वाला स्विफ्ट के कंपेरिजन में ये वाला बहुत अच्छा लगता है लोगों को, और वास्तव में है भी। तो अभी देखते हैं बूट में इन्होंने काफी कुछ रखा है, कुछ स्पेशल चीज रखा है उसको भी दिखाते हैं। और बूट में स्पेस तो नहीं ज्यादा बचा है, लेकिन यार इन्होंने ये जो म्यूजिक सिस्टम रखा है ना JBL का, कैसा साउंड आउटपुट है भाई इसका? साउंड तो समझ लीजिए बहुत लाजवाब है, चलने के बाद गाड़ी बिल्कुल दलक जाती है, बाहर जो लोग जाते हैं बाहर भी पता लगता है कि हाँ भाई कुछ चल रहा है, लेकिन समझ लीजिए बाहर सुनाई नहीं देता, सिर्फ दनक जो होता है ना बहुत अच्छी दनक है। सामान वगैरह उतना ज्यादा नहीं रख पाएंगे, लेकिन यार साउंड आउटपुट, जो भी साउंड के लवर होते हैं भाई, भोजपुरी गाने वगैरह सुनते होंगे, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा बेस आपको मिलेगा। भोजपुरी तो हमारे एक मित्र हैं अंकुर यादव, वही हाँ। ज्यादा सुनते हैं, जब गाड़ी में बैठते हैं समझ लिए भोजपुरी ही, लेकिन हम तो उतना भोजपुरी नहीं सुनते हैं, हिंदी नहीं चलता है, लेकिन अंकुर भाई हमारे बिल्कुल भोजपुरी के दीवाने हैं। चलिए सही, दीवाना होना भी चाहिए भाई। तो दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो, आशा करता हूं आप लोग को एकदम बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे अच्छे वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच सुनील भैया, धन्यवाद।